बेसिक टू एडवांस म्यूजिक थ्योरी। अगर आप म्यूजिक सीख रहे हैं और म्यूजिक के अंदर आप बिगिनर लेवल में, अपर बिगिनर लेवल में या तो फिर एडवांस बिगिनर लेवल में हैं, अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहे हैं और आपको म्यूजिक प्रोडक्शन करते करते आपको डेफिनेटली म्यूजिक थ्योरी की जरूरत पड़ेगी आगे जाके, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। हेलो म्यूजिक फ्रेंड, म्यूजिक लवर, मैं हूं आपका म्यूजिक फ्रेंड हारमोनी म्यूजिक जामनगर से जयंत राठौर। तो इस वीडियो के अंदर हम दो चीज कवर करेंगे, एक बेसिक सिंबल्स जो होते हैं वो कवर करेंगे और साथ में नोट्स कवर करेंगे जिसको क्लासिकल में स्वरास कहते हैं या तो स्वर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़े से सिंबल्स। तो पहला सिंबल है हमारा हैशटैग, पर ये हैशटैग नहीं है, अगर म्यूजिक में ये कहीं नोट्स के पीछे लिखा है तो ये है शार्प नोट का साइन, शार्प नोट का सिंबल्स। ठीक है, ये हैशटैग है। हैशटैग स्पेलिंग के पहले लगता है और शार्प नोट वाला जो सिंबल है वो नोट्स के पीछे लगता है। ठीक है, शार्प नोट हमारे पास पांच है, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प, ये हमारे पास पांच शार्प नोट है। दूसरा जो हमारा सिंबल है वो है स्मॉल बी। ये आपको दिखने में स्मॉल एबीसीडी वाला बी लग रहा है लेकिन ये है नहीं, और कहीं म्यूजिक में नोट्स के पीछे लिखा है तो ये हो जाता है फ्लैट नोट का साइन, फ्लैट नोट का सिंबल। तो फ्लैट नोट का सिंबल क्या है? बी, स्मॉल बी। ठीक है, फ्लैट नोट भी हमारे पास पांच है, डी फ्लैट, ई फ्लैट, जी फ्लैट, ए फ्लैट और बी फ्लैट। तीसरा जो हमारा सिंबल है वो है डैश, माइनस की निशानी, लाइन, जो भी आप समझ लो समझ लो, पर म्यूजिक में ये कहीं नोट के पीछे लिखा है बीट के अकॉर्डिंग या बीट के साथ, तो आपको ये रेस्ट का साइन समझना है और ये होता है म्यूजिक में रेस्ट का साइन। ठीक है, कैसे? सपोज मान लो कि 1 2 3 4 बीट चल रही है, 1 2 3 4। ठीक है, और पहली बीट के अंदर हमें सी बजाना है तो, और बाकी के जो बीट है उसके नीचे डैश डैश किया हुआ है, कैसे? सी डैश डैश डैश। ठीक है, तो तीन डैश है हमारे पास, तो रेस्ट के साइन को हमेशा आपको काउंट करके चलना है। कैसे? तो पहली बीट में हम सी बोलेंगे, सी 2 3 4, सी 2 3 4। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज मान लो कि 4 बीट है हमारे पास, 1 2 3 4 जैसे है, 1 के ऊपर नोट्स बजाना है हमें, 2 खाली छोड़ देना है, 3rd बीट के ऊपर हमें नोट बजाना है और 4th हमें खाली छोड़ना है। तो खाली छोड़ने का जो निशान है, खाली छोड़ने का जो सिंबल्स है वो है डैश। ठीक है, तो क्योंकि हमें म्यूजिक में उसको यूज किया तो ये है रेस्ट का साइन। तो क्या करना है आपको, अगर आप सपोज मान लो कि चल रहे हो कि आप कीबोर्ड बजा रहे हो तो आपको सी प्रेस करना है और उसके बाद जो डैश वाला जो बीट है उसको आपको काउंट करना है। कैसे? सी 1 डी 1। ठीक है, और एक बार करते हैं, सी 1 डी 1। तो ये हमारा हो गया तीसरा सिंबल, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। चौथा जो हमारा सिंबल है वो है स्माइली। ये बेसिकली स्माइली है, दिख रहा है स्माइली जैसा, पर अगर म्यूजिक भी ये कहीं यूज हुआ है और नोट्स को कवर कर रहा है तो ये हो जाता है कवर साइन। कवर साइन की अगर डेफिनेशन मैं आपको दूं तो कवर साइन जितने नोट को ये कवर साइन कवर करेगा उतने नोट आपको एक बीट के अंदर बजाने हैं। ठीक है, कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल अलंकार जो आपने सभी ने प्रैक्टिस किया होगा, सा रे ग म। ठीक है, तो सारे और ग म में दोनों में ये स्माइली किया हुआ है, यानी सारे को कवर किया है और ग म को भी कवर किया है, तो ये होता है कवर साइन। कैसे करेंगे इसको? सा रे ग म। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने तीसरी बीट के अंदर दो नोट्स बोले, फिर से एक बार कहते हैं, सा रे ग म।
ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सुर गा नहीं रहा हूं इसलिए मेरी आवाज के ऊपर बिल्कुल बच जाइए आप। ये म्यूजिक थियरी मैं आपको एकदम डीपली और आसान भाषा में आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ताकि आगे जाके आप खुद कोड्स भी ढूंढ पाएंगे, स्केल्स भी ढूंढ पाएंगे, बड़े बड़े कोड्स आप खुद ढूंढ पाएंगे। पर इसके लिए आपको बैठ के ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आपको आपकी म्यूजिक वाली बुक में लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में जो दूसरी चीज हम कवर करने वाले थे वो थे नोट्स, और जिसको क्लासिकल में स्वर या स्वराज कहते हैं। क्लासिकल म्यूजिक थियरी और वेस्टर्न म्यूजिक थियरी दोनों एक ही चीज है, इवन दोनों म्यूजिक भी सेम ही है, पर उसको समझने का तरीका और समझाने का तरीका दोनों अलग अलग होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम आपको डिटेल में बताऊंगा और मेरी आपको गारंटी है आप जरूर समझ जाएंगे। इस म्यूजिक थ्योरी को आसान करने के लिए मैंने नंबर्स का यूज किया है, ताकि आपको भी ये आसानी से समझ में आ जाए, और आगे चल के आप टायर ढूंढ सकते हैं, मेजर कोड ढूंढ सकते हैं, माइनर कोड ढूंढ सकते हैं, इवन आप स्केल्स भी ढूंढ सकते हैं। तो क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक थियरी को लेके आपको कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी रिक्वेस्ट जरूर फुलफिल करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम या डाउट हो वो मैं सोल्व कर दूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में शुद्ध स्वर होते हैं, शुद्ध स्वर हमारे पास सात है, सा रे ग म प ध और नी, तो ये होते हैं शुद्ध स्वर। उसी को वेस्टर्न म्यूजिक में नेचुरल नोट्स कहा जाता है। तो नेचुरल नोट्स हैं सी डी ई एफ जी ए और बी। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में चार स्वर ऐसे होते हैं जो कोमल स्वर होते हैं। कोमल स्वर को लिखने का तरीका या तो फिर समझने का तरीका ये है कि सुर के नीचे अंडरलाइन, अगर हम लिखते हैं तो हमें सुर के नीचे अंडरलाइन करनी पड़ती है, या तो अगर हम पढ़ते हैं तो अंडरलाइन वाला नोट्स है, अंडरलाइन वाला सुर अगर लिखा है तो हमें ये समझना है कि ये कोमल स्वर लिखा है। कोमल स्वर हमारे पास चार है, रे ग ध और नी, ये चार स्वर कोमल स्वर है, जिसको वेस्टर्न में फ्लैट नोट कहते हैं। फ्लैट नोट पांचों पांच फ्लैट नोट हम लिख सकते हैं, कैसे, डी फ्लैट, ई फ्लैट, जी फ्लैट, ए फ्लैट और बी फ्लैट। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में एक स्वर ऐसा होता है जो होता है तीव्र स्वर। तीव्र स्वर क्लासिकल म्यूजिक में सिर्फ एक ही है, वो है म, तीव्र म। पर हम तीव्र म को कैसे समझे, कैसे लिखे, तो अगर म के ऊपर खड़ी लाइन की हुई है तो वो होता है तीव्र म, ठीक है, या तो फिर म के ऊपर चंद्र बिंदु या चंद्राकार की कोई निशानी की गई है तो वो होता है तीव्र म। तीव्र म को वेस्टर्न में शार्प नोट कहते हैं, और शार्प नोट पांचों पांच शार्प नोट हम लिख सकते हैं, कैसे, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प। पर हम क्लासिकल में उसको लिखेंगे तो म के ऊपर खड़ी लाइन करेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि ये तीव्र स्वर है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में सात शुद्ध स्वर, चार कोमल स्वर और एक तीव्र स्वर, तो टोटल मिला के हमारे पास होते हैं 12 स्वर। इन्हीं 12 स्वर को वेस्टर्न में 12 नोट्स कहते हैं। 12 नोट्स कैसे लिखते हैं, सी सी शार्प, डी डी शार्प, ई एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए ए शार्प और बी। वही इसी को क्लासिकल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सा कोमल रे शुद्ध रे, कोमल ग शुद्ध ग, म तीव्र म, प कोमल ध शुद्ध ध, कोमल नी और शुद्ध नी। तो ये हो गया हमारा पूरा सी स्केल में सारे नोट्स, और यही सी स्केल में अगर हम सारे बदनिशा लिखेंगे कोमल स्वर के साथ या तीव्र स्वर के साथ या नेचुरल नोट्स, तो हम ऐसे लिख पाएंगे।
पर आप कहेंगे सर इसमें फ्लैट नोट तो आए ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि अगर शार्प नोट को सारे फ्लैट कर दो तो फ्लैट नोट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे? सी डी फ्लैट डी, ई फ्लैट ई, एफ जी फ्लैट जी, ए फ्लैट ए, बी फ्लैट बी, ये हो गए सारे फ्लैट वाले नोट। उसी को शार्प नोट पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सी सी शार्प डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए ए शार्प और बी, ठीक है। सिर्फ लिखने का तरीका अलग होता है और कुछ नहीं। तो इन्हीं सारे नोट्स को, इन्हीं सारे स्वरास को अगर हम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? हमारे पास 12 नोट्स हैं, 12 स्वरास हैं, तो नंबर भी 12 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी एक बुक में लैंडस्केप पेज में इसको जरूर लिख लीजिए, यह आपको आगे काम आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि सी स्केल के अंदर हम नोट्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, स्वराज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, और वो भी नंबर्स के साथ। आपको नंबर्स को साथ में लेके चलना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक बी म्यूजिकल स्टे म्यूजिकल।